हरियाणा सरकार ने इस बार सरकारी खरीद के गेहूं का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने का फैसला किया है। राज्य के आढ़ती इससे नाराज हैं क्योंकि उन्हें किसानों को एडवांस में दिया गया पैसा फंसने का अब डर सता रहा है। कुछ किसान इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान नेता इस पर सवाल भी उठा रहे हैं और गेहूं के पैसों से कर्ज वसूली की मंशा से जोड़ रहे हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहां पर किसानों के गेहूं के पैसे उनके कर्ज काटकर भुगतान किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि किसानों की पेमेंट सीधी उनके खाते में जानी चाहिए। हम भी पहले यही मांग करते थे, लेकिन जब उस बात की तय तक पहुंचे तो हमारे सामने तथ्य कुछ और ही आए। तथ्य सामने ये आए कि सरकार जो है वो किसानों की पेमेंट बैंकों में करके और फिर जो किसानों को बैंकों का कर्जा देना है उसमें वो पेमेंट काटने की इनकी प्लान है। हमारे सामने अब से पहले 2-3 केस वो आ चुके हैं जो किसानों की पेमेंट को इन्होंने उसके कर्जे में काट लिए। लेकिन सवाल ये है कि अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि कर्जा तो देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल किसान को ही कर्जा देना चाहिए? आज देश में 17 लाख करोड़ का NPA हो चुका है, जिसमें केवल 1% पैसा किसानों का है, 99% पैसा पूंजीपतियों का है। 17 लाख करोड़ और किसानों पे जो कुल कर्ज, अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दें, करीब 6.5 लाख करोड़ के करीब है, और उसमें पिछले 20 साल से 3.5 लाख किसान मर चुके हैं। क्या और मारने की तैयारी है उनकी? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, किसी किसान संगठन ने नहीं कहा हमारा बैंकों में पैसा आए, ये जो है इनका अपना प्लान है। अब जो किसान ये कहते हैं कि कर्जा देना चाहिए, हम भी कहते हैं देना चाहिए, हम देंगे, लेकिन हम खड़े कहाँ हैं? 1967 से लेकर अगर आज तक का हिसाब किताब देखें, 1967 में हमारी 2 क्विंटल 40 किलो गेहूं की कीमत थी 1 तोड़ा सोना, आज हमारी 20 क्विंटल गेहूं की कीमत है 1 तोड़ा सोना। हम कहाँ से दें? और क्या सरकार किसानों का और गला घोटना चाहती है? तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि ये सरकार की प्लानिंग आपका कर्जा वसूल करने की है और किसानों को मारने की है। जो किसान 6 महीने से इंतजार पे है कि मेरी फसल आएगी, मैं बचूंगा, और उसके बाद किसान की जो है वो प्राइवेट खरीद करने की प्लान है। ये रिश्ता आढ़तियों का और किसानों का रिश्ता तोड़ के प्राइवेट मंडियाँ हरियाणा सरकार ने इसी सत्र में पास कर दी हैं, और प्राइवेट मंडियों में प्राइवेट व्यापारी खरीद करेंगे, और जो प्राइवेट व्यापारी खरीद करेंगे वो एक तरह से किसानों का गला काटेंगे।